डियर फ्रेंड्स, प्रोटिस्टा किंगडम हम लोग कर रहे थे। इसमें नेक्स्ट सीरीज में है स्लाइम मोड्स। मैं आपके साथ क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाजेलेट्स, युग्लेनोइड डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ लोग इसे पहले एनिमेलिया में रखते थे, कुछ लोग इसे फंजाई में रखते थे, इवन कुछ लोग इसे एनिमल और फंजाई के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। लेट अस स्टार्ट About the discussion about the slime molds. What is actually slime molds? Name से indicate हो रहा slime और spread. जब भी slime term हमें आ रहा brain में तो लग रहा है कोई ऐसा organism है जो बहुत तेजी से spread हो रहा हो। पहला तो spread वाला point S से relate करके याद रखना है। And yes, second point जो हम fungi के बारे में पढ़ते हैं saprophytic. Saprophytic का मतलब रहता है they are getting their nutrition, they are getting their food material from dead and decaying material. Yes, dead and decaying. What I am writing here, if you read, this is obviously from NCERT, क्योंकि हम लोगों की NCERT series चल रही है ये. Body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material. जो leaves और twig है, उसपे slime मोड्स धीरे-धीरे spread करेगा, जो organic material deposit होगा, उसे feed करता जाएगा. तो सैप्रोफिटिक है, स्प्रेड होने की प्रॉपर्टी है, फंजाई लाइक प्रॉपर्टी शो कर रहा, कुछ प्रॉपर्टी एनिमल्स की भी है, कुछ प्रॉपर्टी प्लांट्स की भी है, लेकिन इसे प्रोटिस्टा में रखा गया है। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि स्लाइम मोड्स हैव बीन पुट अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि जब इन्हें परफेक्ट कंडीशन मिलती है, परफेक्ट कंडीशन का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट इन सबसे होता है। जब इन्हें परफेक्ट कंडीशन मिलती मींस सुटेबल कंडीशन मिलती है, दे गेट एग्रीगेटेड। ठीक है, जब हमें भी अच्छी कंडीशन मिलती है तभी तो अपन लोग बाहर आउटिंग करते हैं। समय कोरोना में तो कहीं कोई अपन एग्रीगेशन कलेक्ट हो ही नहीं रहा, तो जब इन्हें परफेक्ट कंडीशन मिलती है दे गेट एग्रीगेटेड। दिस एग्रीगेशन इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। यस, दिस एग्रीगेशन इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ में भी मैं भी प्लाज्मोडियम टर्म यूज करूंगा। And you people know Plasmodium causes which disease? Malaria. Plasmodium vivax, falciparum, malaria, ovale. Plasmodium की तरह इसका structure दिखता है when they get aggregated. That's why we are using the term Plasmodium. और एक बार अगर Plasmodium के form में आ गए, they start spreading over a several feet of area. Several feet area they will get spread when they change into a Plasmodium form. नेक्स्ट प्लाज्मोडियम से हम कह रहे हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है, सपोज टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या अदर फैक्टर्स वैरी कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्लाइमेटिक कंडीशन, तो जो प्लाज्मोडियम है वो फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। अगर आप डायग्राम देखोगे तो इस तरह से फ्रूटिंग बॉडीज बना रहा। इस फ्रूटिंग बॉडीज के सरफेस पर सेवरल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सेवरल स्पोर्स। ये स्पोर एयर करंट के वाया स्प्रेड हो सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। इन स्पोर की जो वॉल है, दिस इज हाईली रेजिस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो स्पोर की वॉल है वो हाईली रेजिस्टेंट है, सेलुलोज की बनी होती है। इवन अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्पोर है वो काफी लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर सकता है, और जब फेवरेबल कंडीशन होगी जर्मिनेट होकर के फिर से वो चेंज हो जाएगा, स्लाइम मोड फॉर्म कर लेगा। तो इस तरीके से स्लाइम मोड्स में इस तरीके से चेंजेस आप ऑब्जर्व कर रहे हो और बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ स्लाइम मोड्स दैट वी कैन क्विकली रिवाइज अगेन। सैप्रोफिटिक है, सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बना रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा। फ्रूटिंग बॉडीज के सरफेस पे क्या है, स्पोर, और स्पोर की जो वॉल है वो ट्रू वॉल है जो सेलुलोज की फॉर्म होती है। दिस इज ऑल अबाउट द स्लाइम मोड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।